नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल में। दोस्तों बात करें संगीत की रानी मेनुका पौडेल की, जिसको जो है एकदम जो है नेपाल अच्छे से प्रमोट कर रहा है, और मैं सल्यूट करता हूं ऐसी स्टेट को। जी हां दोस्तों, नेपाल कंट्री जो है अपने टैलेंट को जो है प्रमोट कर रहा है। एक और बहुत ही बड़ा जो है इंटरनेशनल ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल जो है अरेंज किया गया, जिसमें जो है मेनुका पौडेल को एक बहुत ही बड़ा अवसर दिया गया, जिसमें न कि सिर्फ जो है नेशनल्स जो है सबसे बड़ी पर्सनैलिटी थी, बल्कि इंटरनेशनल्स जो है टीम भी वहां पे बैठी हुई थी। क्या था कैसा था जानने वाले इस छोटी सी रिपोर्ट में। उससे पहले अगर आप भी जो है इस संगीत की रानी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं या इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और मेनुका पौडेल की जो है ये स्पेशल फैन क्लब टीम है तो भाई इसको जो है सपोर्ट करें और ऐसे ही जो है हमारे साथ जो है वक्त ब वक्त बने रहे। तो दोस्तों अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों नेपाल के ट्रेडिशनल क्रिकेटर 2081 विक्रम संवत 2081 के हिसाब से जो है न्यू ईयर के मौके पे जो है एक कल्चरल फेस्टिवल अरेंज किया गया, जो कि ये कल्चरल फेस्टिवल जो है स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर वालों ने अरेंज करवाया, जो कि ये महेंद्र नारायण निधि मिथाला कल्चरल सेंटर जो है जनकपुर में जो है ये अरेंज किया गया था। दोस्तों यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनालिटीज ने जो है इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि यार ये जो है इसने जो है नेपाल और इंडिया की जो है कल्चरल हेरिटेज को भी भाई जो है इसने रिप्रेजेंट किया है। तो भाई इसमें जो है एम्बेसी ऑफ इंडिया खटमंडू, और इसके अलावा भाई जो है बीरगंज, और इसके अलावा भाई जो है बीपीके इंडिया नेपाल फाउंडेशन, और इसके अलावा भाई जो है काफ़ी सारे जो है दूसरे जो है इंस्टीट्यूट ने भी भाई इसमें जो है हिस्सा लिया, जैसे कि जो है कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया वगैरह। तो दोस्तों इसमें जो है ये जो सेशन है ये कल्चरल फेस्टिवल टू सेशंस पे जो है डिपेंड था, जिसमें जो है अगर फर्स्ट सेशन की बात करें जो एड्रेसेस और फूड पे था, और जो सेकंड था वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस पे था। अगर फर्स्ट की बात करें तो भाई हरिवंश झा ने भाई जो है जानकी लीला की एग्जीबिशन पे जो है एड्रेसेस की। इसके अलावा भाई जो है उन्होंने साड़ी के बारे में एड्रेस की, और नेपाल और इंडिया की डिफरेंट फोर्ट्स के बारे में जो है उन्होंने एड्रेस की, और नेपाल और इंडिया की जो है कल्चरल हेरिटेज के बारे में जो है उन्होंने अच्छे से एड्रेस किया। और उसके बाद जो है फूड की अगर मैनेजमेंट की बात करें तो भाई संतोष शाह शेफ ने जो है एकदम जो है स्पेशल वे में जो है फूड की अरेंजमेंट की हुई थी। लेकिन सबसे जो है मजे वाला जो है सबसे इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग जो सेशन था वो सेकंड था, जिसमें जो है हमारे संगीत की रानी मेनुका पौडेल भी थी। यार अगर आप मेनुका पौडेल के सच्चे फैंस हैं तो अभी इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही जो है मेनुका पौडेल को जो है प्रमोट करते रहे। तो भाई मेनुका पौडेल ने जो है भाई श्री रामचंद्र और सीता मैया के जो है भजन कीर्तन किए, जिसमें जो है सबको एकदम बहुत आनंद आया और श्री रामचंद्र की जो है भक्ति में सारे बह गए। जी हां दोस्तों, मेनुका पौडेल की जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने यार जो है सबको हिला डाला और सबको जो है एक बार फिर से जो है उनका दीवाना बना डाला। यार ये एक छोटी सी बिटिया एकदम जो है एक छोटी सी शहजादी यानी प्रिंसेस के अवतार में एकदम लग रही थी। और इसके अलावा भाई इन्होंने जो है जो सिंगिंग की जिस हिसाब से यार जिस वे से यार एकदम जो है वहां पे जो है उसके एमपीए जो है सीएम संतोष कुमार, हाँ सीएम संतोष कुमार एकदम जो है बहुत खुश हुए। और इसके अलावा जो काफी सारे जो है गेस्ट और चीफ गेस्ट भी वहां पे आए हुए थे, भाई मेनुका की परफॉर्मेंस से बहुत बहुत खुश हुए। भाई कितनी अच्छी बात है यार, नेपाल जो है हर जो है अच्छे से अच्छे जो है कल्चरल फेस्टिवल हो या कोई प्रोग्राम हो या किसी होटल में कोई कंसर्ट हो या गाला हो, भाई उसमें जो है मेनुका पौडेल को जो है बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। और यार ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, दिल से बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने ऐसे अच्छे टैलेंट्स को अच्छे से जो है प्रमोट कर रहा है। और एज अ बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मेनुका पौडेल यार हमें एक बहुत ही हैप्पीनेस फील होती है। अगर आपको भी होती है तो यार आप जो है हमें सपोर्ट करें, मेनुका दीदी को सपोर्ट करें, और यार मेनुका पौडेल की जो है श्री रामचंद्र और सीता मैया की जो है भजन कीर्तन की इतनी अच्छी जो है अच्छी परफॉर्मेंस यार एकदम जो है मेनुका पौडेल के तो हर कोई भाई फैन तो बन गया, वहां पे बैठा हर कोई मेनुका पौडेल का तो फैन बन गया, लेकिन श्री रामचंद्र और सीता मैया के सारे भक्ति में एकदम जो है मगन हो गए। ये ही पावर है जो है मेनुका पौडेल की सिंगिंग का था, क्योंकि इनकी जो है सिंगिंग में वो पावर है जो जैसा कि जो है इंडियन आइडल की मंच की बात करें तो भाई जो है जजेस रोने पड़ जाते थे, जो भी गेस्ट आता था तो भाई इनकी डिमांड करता था। तो भाई अगर ऑडियंस की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा वोटिंग भी इनको मिलती थी। तो भाई अगर इसी मंच की अगर बात करें कल्चरल फेस्टिवल की, तो यार एकदम जो है सारे जो है भक्ति में जो है मगन
हो गए और मेनका पौडेल की जो है आवाज में जो है संगीत में जो है खो गए। तो यार ये जो म्यूजिकल जो है सेकंड सेशन था यार एकदम जो है धाम धूम से एक बार फिर से जो है सेलिब्रेट किया गया। सब ने एकदम जो है बहुत एंजॉय फील किया और ट्रेडिशनल और काफी सारे जो है पॉलिटिकल पर्सनालिटीज थी उनका यही कहना था कि यार ऐसी जो है कलाकारा को ऐसी जो है सबसे बेस्ट सिंगर्स को जो है ऐसे जो है कल्चरल फेस्टिवल पे जो है बिल्कुल इनवाइट करना चाहिए ताकि यार जो वो अपनी जो है प्यारी संगीत की आवाज से जो है हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करे और उनको यार जो है एकदम जो है वहां पे देशभक्ति वाला माहौल छाया हुआ था और उनको एक बहुत अच्छा फील हुआ। और दूसरी बात यार ये जो है विक्रम संवत जो है 2081 यानी न्यू ईयर की जो है स्टार्टिंग थी तो भाई ये शनिवार की सुबह को यार ये प्रोग्राम था तो भाई जो है सारे न के सिर्फ नेपाल के बल्कि इंडिया की एम्बेसी की टीम ने भी जो है मेनका पौडेल की यार जो है खूब तारीफ की और उनकी जो है संगीत की यार एकदम बहुत ही बड़े से बड़े तरीके से जो है चर्चा सारे पिंडाल में फैलने लगी। और इसके अलावा भाई जो है इनकी संगीत की चर्चा एक बार फिर से जो है ताजा हो गई तो भाई जो है मेनका पौडेल एक बार फिर से जो है इस मंच पे भी छा गई। तो यार बहुत 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 जो है सबको अच्छा फील हुआ। तो यार आपको जो है कैसा फील होता है ये सुन के यार मेनका पौडेल एक बार फिर से जो है उनके जो है न के सिर्फ जो है लोकल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक बार फिर से जो है उनको एक बार फिर से जो है ऑनर पेश किया गया। आपको कैसा फील होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर ये आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें यार चैनल को सब्सक्राइब करना आपने वैसे ही नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।